हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल स्टडीज़। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, रेलवे एएलपी 2 का जो है आपका सीवीटी का एग्ज़ाम आपका हो चुका है 21 जनवरी का, और दोनों शिफ्टों के एग्ज़ाम आपके कंडक्ट हो चुके हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन हमें मिल पाए हैं, हम उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट और सेकेंड दोनों मीटिंग के पेपर यहाँ पर देखेंगे जो हमारे सब्सक्राइबर द्वारा हमें भेजे गए हैं। जिन लोगों का आने वाले समय में एग्ज़ाम है, उनको यहाँ पर बहुत सारा हिंट मिलने वाला है। और फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की सभी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आज पूछे गए थे। तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वर्नियर कैलिपर्स की रेंज क्या होती है। ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स की रेंज आपसे पूछा गया था। तो वर्नियर कैलिपर्स की रेंज की बात करें आप यदि, तो यदि ये 0.02 mm मीट्रिक में यदि पूछे तो आप लिखिएगा यहाँ पर 0.02 mm। ठीक है, और यदि आपसे पूछा जाए ब्रिटिश में, पूछा जाए ब्रिटिश क्वांटिटीज़ में, तब आप लिखिएगा इंचेस में, तो ये हो जाएगा 0.001 inches। ठीक है, 0.001 inches होती है आपकी वर्नियर कैलिपर की रेंज, ठीक है, ब्रिटिश में। और यदि मीट्रिक में बात करें तो 0.2 mm हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड आपका, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग में अंतर पूछा गया था। फ्रेंड, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन देखिए यहाँ से बन रहे हैं कि प्रारंभिक और अंतिम वेग में संबंध क्या है, सॉरी अंतर नहीं, संबंध पूछा गया था। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ फर्स्ट मोशन का यहाँ पे बनता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये देखिए v = u + at, गति के पहली समीकरण से आपको यहाँ पर मिल जाता है v = u + at। v यहाँ पर क्या होता है, अंतिम वेग होता है, u यहाँ पर प्रारंभिक वेग होता है, और a यहाँ पर एक्सीलरेशन होता है, और आपका t यहाँ पर टाइम होता है। ठीक है, तो v = u + at यहाँ पर ये पे समीकरण बन जाएगा आपका, और यही गति का पहला समीकरण भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में पूछ सकता है आपका कि गति का सेकंड समीकरण कौन सा है, तो s बराबर होता है ut + ½ gt² ठीक है, ½ at² ठीक है, ut + ½ at² होता है। दूसरा बात करें फ्रेंड तीसरे समीकरण की, तो आपका बन सकता है यहाँ पर b² + u² + 2as। तो तीनों समीकरण आपको यहाँ पर याद करने हैं, मैंने आपको तीनों यहाँ पर बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड आपका, 1 kW में कितने यूनिट होते हैं। तो देखिए, 1 kW, 1 kW जो है यदि 1 घंटे चलता है, और एक दिन में 1 घंटे चलता है, तब आपका यहाँ पर 1 यूनिट यहाँ पर बनता है। ठीक है, 1 यूनिट यहाँ पर जब बनता है, जब 1 kW का कोई लोड आप जो है 1 घंटे चलाते हैं 1 दिन में, तब आपका 1 यूनिट बनता है। तो इस प्रकार से यूनिट को परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पावर की आपके बीमा पूछी गई थी फ्रेंड, पावर की, तो पी बराबर क्या होता है फ्रेंड, पावर बराबर होता है w/t, यानी वर्क अपॉन टाइम होता है। वर्क की हम बात करें फ्रेंड यहाँ पर, तो वर्क की डायमेंशियल और आपके टी की डायमेंशियल जो माइनस हो जाएगी, तो उसकी राइट आंसर हो जाएगा आपका ml2t - 2। ठीक है, पावर का आपका क्या हो जाएगा बीमा, ml2t - 2। फ्रेंड फिर हमारे एक मित्र ने बताया था कि कोडिंग और डिकोडिंग से आज जो है 4 प्रकार के क्वेश्चन थे। देखिए, पहली शिफ्ट में भी और सेकंड शिफ्ट में भी जो कोडिंग और डिकोडिंग के जो है वो 4-4 लगभग क्वेश्चन थे। तो कल को भी जो है इसी प्रकार के पूछने जाने की संभावना है। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड आपका पूछा गया था कि nवे सेकंड में विस्थापन का सूत्र यानी s पूछा गया था। मान लीजिए यदि आपको 5वें में पूछा गया हो, हमारे पास एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन मान लीजिए यदि आपको 5वें यानी 5वें में पूछा गया हो, तो देखिए nवे सेकंड का सूत्र होता है आपका ये sn बराबर होता है u + a/2 2n - 1। ठीक है, तो ये इसी प्रकार मान लीजिए यदि 5वें का पूछा हो, तो s5 बराबर u, आपका u का मान रख लेना, यदि u 0 हो तो 0 रख लेना। ठीक है, a का मान रख लेना, और यहाँ पर हो जाएगा 5 × 10 - 1 9 × a/2। ठीक है, तो यहाँ पर a और u का मान यहाँ पर दिया हुआ होगा आपको। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से आप यहाँ पर सॉल्यूशन कर सकते हैं nवे सेकंड में विस्थापन के फॉर्मूले से। नेक्स्ट आपका, दाब का मात्रक क्या होता है। तो देखिए, दाब को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, दाब को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं पहली बात तो। ठीक है, तो पी बराबर क्या होता है आपका, बल बटे क्षेत्रफल होता है ना, यानी f/a होता है पी बराबर। अब बल को किस में नापते हैं फ्रेंड, बल को नापते हैं अपन न्यूटन में। ठीक है, बल को न्यूटन में नापते हैं, और क्षेत्रफल को किस में नापते हैं, मीटर स्क्वायर में नापते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका दाब का मात्रक। या फिर इसकी SI क्वांटिटी में हम बात करें, तो इसको हम पास्कल भी लिख सकते हैं, पास्कल इसका दाब का मात्रक ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यंग मॉडुलस इलास्टिसिटी का, देखिए यहाँ पर यंग मॉडुलस इलास्टिसिटी पूछा था, तो यंग प्रतिरास्ता गुणांक का मात्रक क्या होता है, तो इसका भी आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर और पास्कल होता है। बात करें फ्रेंड यंग प्रतिरास्ता के बारे में, तो ये होता है आपका प्रतिबल बटे
विकृति, प्रतिबल बटे विकृति होता है, तो विकृति की तो कोई विमा होती नहीं है, ना ही कोई मात्रक होता है, ठीक है। तो प्रतिबल का क्या हो जाएगा, प्रतिबल का वही मात्रक हो जाएगा, वही आपका जो कि दाब का होता है, ठीक है। तो इसका भी पास्कल आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक मैथ का क्वेश्चन था हमारे पास फ्रेंड, मैथ का क्वेश्चन कि साइन 15 अपॉन कॉस 75, बहुत ही सिंपल सा था ट्रिग्नोमेट्री के। तो आपसे यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। तो साइन 15 प्लस कॉस 75, तो यदि हम इसे कॉस को चेंज कर लें साइन में, तो क्या हम इसे ये लिख सकते हैं, कॉस 75 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 75 को लिख सकते हैं हम 90 माइनस 15, ठीक है। कॉस 75 को क्या लिख सकते हैं, नीचे वाले को तोड़ रहे हैं हम, तो 90 माइनस 15, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है आपका साइन थीटा के। तो यानी नीचे वाला भी आपका साइन थीटा साइन 15 हो जाएगा, ऊपर तो है ही आपका साइन 15, तो साइन 15 से साइन 15 कैंसिल हो जाएगा, आपका यहाँ पर 1 आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल था सा, और क्वेश्चन ज़्यादा जो है टफ नहीं था। करंट अफेयर से बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए थे फ्रेंड, 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, शायद 2 से 3 क्वेश्चन केवल करंट अफेयर से पूछे गए थे। बाकी क्वेश्चन आपका GS से, मैकेनिकल से, इंजीनियरिंग से, इंजन से, इस प्रकार के क्वेश्चन और मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। और लाइन से फ्रेंड कुछ नहीं पूछा गया था, ड्राइंग से, हाँ ड्राइंग की हम बात करें तो ड्राइंग से केवल जो 40 क्वेश्चन का सिलेबस आपको बता रहा था, लेकिन 3 से 4 क्वेश्चन ही यहाँ पर जो है पूछे गए हैं। दोनों शिफ्टों की बात कर रहे हैं फ्रेंड, यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने बताया है, ड्राइंग से केवल 3 से 4 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड शायद इस प्रकार से कि किस खिलाड़ी को भारत रत्न मिला है, ठीक है। तो किस खिलाड़ी को भारत रत्न दिया गया है, तो ये खिलाड़ी है आपका सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर आपको ऑप्शन में जरूर दिया हुआ होगा, इन्हें ही भारत रत्न दिया गया था, ठीक है, सचिन तेंदुलकर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। एक क्वेश्चन था आपका 110 का, 110% का 10%। देखिए इस प्रकार से था, आप यदि परसेंटेज को यहाँ पर छोड़ दीजिए तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन जाता है आपका, ये बन जाता है 110 गुणा 10, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 3 जीरो तो यहाँ वैसे ही हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप गुणा कर लीजिए, 11 11 हम 121, और 121 की अब 1 से गुणा करेंगे तो 121 ही आएगा, ठीक है। और 3 जीरो यहाँ पर लगा दीजिए तो ये आ गया 121 और 000। अब देखिए ये परसेंटेज और ये परसेंटेज, जब परसेंटेज का चिन्ह एक बार हटेगा तो नीचे 100 से भाग होगा, तो डबल बार 100 से भाग हो जाएगा, तो नीचे 4 जीरो आ गए, 4 जीरो से 3 जीरो तो ये कट जाएंगे। इसका राइट आंसर आ जाएगा फ्रेंड आपका 12.1, ठीक है, 12 पॉइंट बिल्कुल आंसर सही है इसका। देखिए परसेंटेज और परसेंटेज यानी कि 1/ कितना हो गया आपका, 10,000 हो गया ना, 1/10,000। अब इसकी आप गुणा कर लीजिए सबकी तीनों के साथ, 11 11 में 121 और 121 से कम 121, 3 बार 0 आपका लग जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो डिवाइडेड, 1 जीरो से आपका भाग हो जाएगा, तो 12.1 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, ये 22 नहीं है, ये शायद ये टाइपिंग मिस्टेक, 2 की पावर 2 और 9 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 9 की पावर 2 में आपका जो है वो आपको बताना था, इसके बीच में अभाज्य संख्याएं। तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगा आपका 4, और 9 की पावर 2 हो जाएगा आपका 81। इनके बीच की अभाज्य संख्या बतानी थी आपको, कितनी अभाज्य संख्या इनके बीच में आती हैं। तो देखिए इनके बीच में अभाज्य संख्या की आप बात करेंगे तो आपको ये तो पता करना होगा कि अभाज्य संख्याएँ कैसे निकालते हैं। अभाज्य संख्याएँ होती क्या हैं आपको, कि जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक तो वो स्वयं से डिवाइड होती हैं और एक वो 1 से डिवाइड होती हैं, ठीक है, वो सभी अभाज्य संख्याएँ कहलाती हैं। तो 4 से बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी, अब बताइए, 5 तो होगा नहीं, 5 होगा, हाँ केवल 5 होगा इसमें, 4 से बड़ा क्या होगा, 5 होगा, उसके बाद 6 नहीं होगा, 7 होगा, ठीक है, उसके बाद 7 हो जाएगा अभाज्य, फिर 9 नहीं होगा, 10 नहीं, 11 हो जाएगा आपका, फिर 13 हो जाएगा, इसी प्रकार से आपको यहाँ पर संख्याएँ गिन लेनी है। फिर पूछा गया था कि हेड ऑफ़ गवर्नमेंट कौन होते हैं, तो हेड ऑफ़ गवर्नमेंट आपका प्राइम मिनिस्टर होते हैं भारत के, ठीक है, हेड ऑफ़ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इस समय फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। बात करें फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की, हैप्पीनेस इंडेक्स अपन कितनी बार पढ़ चुके हैं इसको, तो हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग पूछा गया था, हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग आपका 133वां है भारत का खुश रहने में स्थान, ठीक है, हैप्पीनेस इंडेक्स में। फिर आपका देखिए वज्र प्रहार सैनिक अभ्यास पूछा गया था, किन 2 देशों के बीच होता है वज्र प्रहार सैनिक अभ्यास किन 2 देशों के बीच में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और यूएसए के बीच में होता है आपका वज्र प्रहार सैनिक अभ्यास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पिस्टन रिंग किसकी बनी होती है, पिस्टन रिंग की बात करें तो ये कास्ट स्टील की बनी होती है, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें कास्ट स्टील पिस्टन रिंग की बात करें तो।
फिर देखिए आपतन कोण यदि 15 इंच है तो विचलन कोण का मान आपको आपको बताना है। यहाँ पर आपतन कोण कैसे निकालते हैं फ्रेंड, यहाँ पर इस प्रकार से कोई रेखा आती है आपतन कोण 15 अंश पर, ठीक है, ये 15 अंश है। और इसके बाद यहाँ पर ये एक नॉर्मल इंसिडेंट होता है, यहाँ पर नॉर्मल इंसिडेंट से रहता रेखा इधर को निकल जाती है या फिर फुल रिफ्लेक्शन होकर इस प्रकार से निकल जाती है, तो इसको कहते हैं विचलन कोण। तो ये आपको विचलन कोण पूछा गया था, मैंने आपको बताया था कि एक रेखा का जो हम कोण पढ़ते हैं तो इसे पढ़ते हैं, इस एक रेखा पर ऋजुरेखीय कोण होता है, ठीक है, 180 अंश का। तो यदि ये रेखा इस प्रकार से आई और यहाँ को गई तो ये कुल मिलाकर तो 180 अंश होना चाहिए ना, तो कुल मिलाकर इसका मतलब यह हुआ, एक इसका एक फार्मूला होता है विचलन कोण निकालने का, 180 माइनस 2i, ठीक है, 180 माइनस 2i, तो 180 माइनस आई का मान आपको 15 दे रखा है, 15 दूनी 30 हो जाएगा, इस प्रकार से आपका 150 आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, 150 इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे इसे, 180 माइनस होता है 2i, विचलन कोण निकालने का फॉर्मूला यदि आपतन कोण दिया है तब। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर हो तो लेंस की क्षमता क्या होगी, तो देखिए फोकस दूरी यानी एफ दिया हुआ था आपको, एफ बराबर क्या होता है 1/p और पी बराबर 1/f होता है, तो यहाँ पर हम जो है पी बराबर 1/f रखेंगे और 1/50 हो जाएगा यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा आप इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिएगा, सेंटीमीटर को मीटर में जब आप चेंज करेंगे तो यहाँ पर जो है ये आपका ये हो जाएगा 1.5, ठीक है, 1.5, तो यहाँ से 0.9, तो 5 × 2 = 10, तो 2 मीटर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 2 मीटर आपकी जो हो जाएगी वो पावर हो जाएगी, यदि फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो पावर कितनी हो जाएगी वो 2 मीटर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ग्रेविटी से 5-6 क्वेश्चन पूछे गए थे यार, 5 से 6 क्वेश्चन ग्रेविटी से बहुत सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रात पे पढ़ कर जाइएगा आप, जिन लोगों का कल एग्जाम है, ग्रेविटी से 5-6 क्वेश्चन थे। यदि पृथ्वी पर मनुष्य का भार 60 किलो है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा, देखिए जो भार पृथ्वी पर होता है आपका, यदि पृथ्वी पर किसी मनुष्य का भार m है तो चंद्रमा पर भार जो है वो m/6 होता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो अलग हो सकते हैं लेकिन एक टॉपिक जो है आपको टॉपिक वही है फ्रेंड आपका। देखिए यदि पृथ्वी पर भार m है तो चंद्रमा भार कितना हो जाएगा m/6 हो जाएगा, यदि पृथ्वी पर भार किसी का आदमी का 60 किलोग्राम है तो आपका वो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, चंद्रमा पर हो जाएगा वो 60 को भाग कर दीजिए 6 से तो वो हो जाएगा आपका 10 किलोग्राम, ठीक है, 10 kg आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका sin 45 / cos 45 के बारे में पूछा गया था, किसका किसका क्या मान होगा, तो देखिए sin 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है, cos 45 का मान की बात करें तो 1/√2 होता है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा मान 1 हो जाएगा। एक प्रकार से और से सॉल्व कर सकते हैं जल्दी से, sin/cos क्या होता है आपका 10 होता है, तो 10/45 हो जाएगा, 10/45 का मान कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड कुछ थे हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने, एक क्वेश्चन फ्रेंड इस प्रकार के ही पूछा गया था आपका, sin θ + 45 और sin θ - 45 क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 से गुणा कर लेंगे, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर 2 से गुणा कर लेंगे और 2 से भाग कर लेंगे, ठीक है, तो 2 sin A sin B का यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा, sin A + B क्या होता है फॉर्मूला, sin A + B, तो इससे sin 2θ और sin A - B sin 90 का फॉर्मूला, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 sin 2θ, 1/2 sin 2θ इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेलन का आयतन का सूत्र पूछा गया था आपका, बेलन का आयतन का सूत्र पूछा गया था, 1/3 πr² हो जाएगा आपका इसमें बेलन के आयतन का सूत्र। नेक्स्ट पूछा गया था आपका, जम्मू कश्मीर का डांस, जम्मू कश्मीर के नृत्य कौन सा है, तो देखिए जम्मू कश्मीर के नृत्य की बात करें तो रवाब नमक जो है एक जम्मू कश्मीर का नृत्य है, ठीक है, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, रवाब हो जाएगा आपका इसमें, है ना। बाकी और आपको पता हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, यहाँ तक हमें ध्यान है वो यही है, ठीक है। फिर प्रोबेबिलिटी से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी से प्रायिकता से 3 क्वेश्चन थे, तो प्रायिकता ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप कल को जो इनका एग्जाम है बोलो इन्हें ज़रूर पढ़कर जाइएगा। ये थे फ्रेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आपको इस वीडियो में बताए हैं, आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ ही से फ्रेंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, यही आप लोगों का हमारे लिए सपोर्ट होता है। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।